सो गाइस यार सब कैसे हो यार। आज हम सेल चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं 9th क्लास के लिए। ठीक है गाइस। सो यार आज थोड़ा सा सेटअप में थोड़ा सा चेंज लाए हैं। होप सो आपको बढ़िया लगे। और यार ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिया करो यार चैनल को यार, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। सो यार स्टार्ट करते हैं यार आज हमारी चैप्टर को। इसमें क्या न्यूक्लियस होता है एंड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय अ डबल लेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें एक क्या होती है गाइज, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की चीज होती है जो क्या इनको डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है। द मेम्ब्रेन सीम्स टू बी कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या कह रहे हैं गाइज, ये कह रहे हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसकी अपनी तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है यार, आगे पढ़ेंगे यार हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यार टेंशन मत लिया करो यार, सब आपको समझा दूंगा और नोट्स साथ साथ बनाते रहना गाइस। ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर लो यार, वहाँ भी हम नोट्स डालते रहते हैं। ठीक है। ऑफ द सेल एंड हैज पोर्स। पोर्स क्या मतलब यार, उसमें ना एक छोटे छोटे से यानी होल्स होते हैं जिसमें से वो जो न्यूक्लियस को जो सी भी एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है। हमने पढ़ा था कि फूड जरूरी होता है एनर्जी के लिए, जो भी उसको फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए या जो भी उसने काम करना होता है तो वो पोर्स के आर पार उसी पोर्स से होता है। विच प्रॉबली परमिट द एंट्रेंस ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले समझा दिया गाइस कि वो परमिट करता है जो एंट्रेंस ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल। जो सभी सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी यही कंट्रोल करता है एंड कैरीज द जीन्स स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। आपको पता ही होगा यार, जीन्स में हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है जो हम पेरेंट्स से कैरी आउट करते हैं। तो यार वो सारा मटेरियल क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस आर स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ एक छोटी छोटी बॉडी हमें पाई जाती है जिनको हम न्यूक्लिया के नाम से जानते हैं। द सेल लाइक जेल लाइक मैट्रिक्स इन विद द न्यूक्लियर कॉम्पोनेंट्स आर सस्पेंडेड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसमें हमारी क्या है, न्यूक्लियस सस्पेंड होता है, जिसमें वो होता है, जो से वो कॉम्पोनेंट में होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। सो गाइज यार ये हमारा क्या है यार, न्यूक्लियस का इसका जो हमारा सेल है उसका ये पूरा डायग्राम है। जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं यार वो सारे ऐसे के होते हैं। ठीक है। तो यार साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो यार साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा ही था और आगे भी पढ़ेंगे यार कि जो जिसमें सारी क्या है, सेल के सारे भी ऑर्गेनेल्स जिसमें सस्पेंडेड होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यार राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है गाइज, ये छोटे छोटे से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यार क्या होता है सब, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, लाइसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी पढ़ा गाइस, जो न्यूक्लियस के पार अपनी उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही है। ठीक है। पर उसके बाहर एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं जो उसको क्या प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यार आगे पढ़ते हैं, पहले हम यार ये देखते हैं कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस में। ठीक है गाइस। तो यार मैं आपको पहली पिछली स्लाइड में लेके जाता हूँ। जो ये हमारा है, मान लो यार ये न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोस क्या होता है, न्यूक्लियोस इसमें ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आके कहते हैं न्यूक्लियोस। ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सो गाइस हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस। सो यार जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे हम पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि यार न्यूक्लियस हमारा क्या है, काफ़ी बड़ा है साइज में, हम देख पा रहे हैं। ठीक है। तो पर हमारा क्या, न्यूक्लियोस काफ़ी छोटा है। क्या है, न्यूक्लियोस काफ़ी हमारा क्या छोटा है। ठीक है। सो यार बाउंड जो न्यूक्लियस होता है, बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। पर न्यूक्लियोस की कोई ऐसी यार मेम्ब्रेन नहीं होती, वो उसकी अनलिमिटेड यानी बाउंड्री होती है, कोई उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इसमें कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं होते। ये DNA होता है इसमें, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और ये रिच है RNA में। गाइज हम आगे जाकर सब समझेंगे यार DNA RNA क्या होता है, टेंशन मत लो यार, सब समझाऊंगा, आपका भाई बैठा है इधर। ठीक है। सो यार ये बस ये अपना ये डिफरेंस याद रख लेना यार, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है। सो यार ये हमारा
मैंने आपको न्यूक्लियर का न्यूक्लियस का डायग्राम है जो हमारा, ये देखो ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर ये सारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये तो यार सारा इन्होंने गलत लिखा है, ये सारा न्यूक्लियस है, क्या है गाइस, न्यूक्लियस ही है ये सारा। और यार ये देखो ये क्रोमेटिक मटेरियल होता है जिसमें क्या हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर पोर ने, ठीक है, जिसमें से अपना जो मटेरियल है वो इन एंड आउट होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये एक एक्स्ट्रा इसको बाउंड्री प्रोवाइड करता है गाइज, ठीक है। सो यार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तीन तीन बाउंड्री होती है, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है, एक ये वाली हो गई, एक न्यूक्लियो मेम्ब्रेन हो गया, एक इसके बाद वो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हमने पढ़े थे वो भी हैं, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं, तो यार क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आप सभी को पता होंगे यार, जिसमें हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होते हैं गाइस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, जो हमारे एनिमल और प्लांट सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम्स के नाम से, किस नाम से जानते हैं गाइस, क्रोमोसोम से, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है। सो यार एक एक क्रोमोसोम में एक ही मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का और एक ही मॉलिक्यूल होता है किसका गाइस, डीएनए का, ठीक है, जो क्या पास होते हैं हमें ऑफस्प्रिंग्स को फ्रॉम हमारे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स से हमें ऑफस्प्रिंग्स को पास होते हैं। डीएनए कंटेन्स अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मेक ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक। अब यार गाइज मैं भी यूनिक हूँ, आप भी यूनिक हो यार, सभी एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो कैसे सिमिलर नहीं है गाइज, क्योंकि जो ये डीएनए होते हैं जो पेरेंट्स से हम कैरी करते हैं जीन्स, उसके कारण ये अलग अलग होता है। द टर्म क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर कलर, जिसको हम क्रोमा के नाम से जानते हैं, एंड बॉडी सोमा। साइंटिस्ट गेव दिस नेम टू क्रोमोसोम बिकॉज दे आर सेल स्ट्रक्चर्स और बॉडीज दैट आर स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंड बाय सम कलरफुल डाइज। तो यार जो इसमें इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, कलर के साथ इनको कंपेयर क्यों किया गया, जब यार ये साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी की थी तो इन्होंने देखा था इसमें कुछ सम कलरफुल डाइज होती हैं, डाइज, ठीक है, डाइज मतलब कलर होते हैं, ठीक है। तो यार इसलिए इनका नाम ये क्रोमोसोम्स का ऐसे डाला गया था, ठीक है। तो यार अब आगे क्रोमोसोम्स भी गाइस दो तरह के होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। हमें यार पिक्चर देख के पता लगा होगा जो डिप्लॉइड होते हैं वो दो यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दो सेट्स ऑफ जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, पर हैप्लॉइड में एक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो यार इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं, हैप्लॉइड सेल कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें वन ही सेट क्रोमोसोम्स का होता है, पर जो डिप्लॉइड होते हैं इनमें दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, दो यूनिट होते हैं, हम ऊपर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यार हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है मियोसिस, मियोसिस का प्रोसेस है यार, तुम मोटा मोटा ये समझ लो यार, जो हमारे जब हम अपने पेरेंट्स से जीन कैरी कर रहे होते हैं तब एक प्रोसेस होता है मियोसिस, ठीक है। सो यार उसमें हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्म होते हैं, और डिप्लॉइड सेल्स कौन से प्रोसेस में फॉर्म होते हैं, मिटोसिस गाइस, इसको लिख लेना है साथ साथ, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है गाइस। इन द हायर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस हैप्लॉइड सेल्स आर ओनली यूज फॉर सेक्स सेल्स, जब ये सेक्स सेल्स के लिए ही हैप्लॉइड यूज होता है, पर जो यार ये जो डिप्लॉइड होता है ये सेक्स सेल्स के बिसाइड भी काफ़ी इनका काम होता है। कैसे कैसे काम होता है गाइज, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक यार हैप्लॉइड में तो गैमेट्स ही होते हैं क्योंकि ये सेक्स सेल्स के लिए यूज़ होते हैं, तो इनमें सिर्फ गैमेट्स ही होते हैं, मेल और फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, पर जो ये डिप्लॉइड होता है ये सेक्स सेल्स से भी बाहर इनका भी और भी काम आता है। तो यार डिप्लॉइड सेल्स में क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है गाइस, सोमैटिक सेल्स, दो जिसमें क्रोमोसोम्स हों, जो हमें नाम देख के पता लग रहा है दो दो क्रोमोसोम्स हों उसको सोमैटिक सेल्स के नाम से हम जानते हैं गाइस। सो यार आगे हम पिछली स्लाइड में देखा था ये क्रोमोसोम से, ये हमारा क्या था, एक मिनट यार, ये हमारा साइटोप्लाज्म। तो यार गाइज आप काफ़ी एक्साइटिंग हो गए यार, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं यार, सुना इसके बारे में हम पढ़ना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, द फ्लूइड दैट मेक फिल्स अप द सेल इज रेफर्ड टू एज साइटोप्लाज्म, जो क्या जो मटेरियल क्या है जो सेल को भरता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट एनकंपसेस द साइटोप्लाज्म विद फिलामेंट्स प्रोटीन्स एंड मैरी
मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स एंड अदर ऑर्गेनेल सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। सो यार साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक चीज होती है साइटोसोल, जिसमें सारे फिलामेंट्स होते हैं, आयन प्रोटीन्स काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर होता है गाइज, तो उसमें ही सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। बट न्यू रिसर्च ज़्यादा ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नो लॉन्गर वैलिड। जो ट्रेडिशनल हम डेफिनेशन साइटोप्लाज्म की पढ़ते आ रहे हैं वो आजकल वैलिड नहीं है। क्यों गाइज, क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि साइंटिस्ट ने फाइंड किया है ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि जो जैसे जैसे इसकी डिस्कवरी हो रही है वो मानते हैं कि ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड्स की तरह इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कैसी गाइज? ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड जो क्या है, जिनसे ग्लास बनता है, ठीक है। अब यार साइटोसोल क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, याद रखना। साइटोसोल क्या है? ऑल्सो नोन है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है, और ग्लाउंड प्लाज्म भी कहा जाता है। इन वन ऑफ द लिक्विड फाउंड इनसाइड द सेल, या सेल की बात हो रही है तो इनसाइड सेल की भी पाए जाएंगे, ठीक है। इट इज सेपरेटेड इनटू कंपार्टमेंट बाय मेम्ब्रेन, इनके इसका अलग अलग मेम्ब्रेन होते हैं जो कंपार्टमेंट्स में बटे होते हैं। फॉर एग्जांपल द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सेपरेट्स द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू मैनी कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो उसको क्या है, जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है। गाइज हम पढ़ेंगे आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। पहले यार ये आप डायग्राम देखो दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या क्या डिफरेंस है यार। इसमें राइबोसोम्स गाइस दोनों में ही होते हैं, न्यूक्लियस भी गाइस दोनों में ही होता है। इसमें देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें सेल वॉल भी है। पर गाइस आप एक चीज ढूंढोगे, इसमें सेल वॉल्स एनिमल सेल्स में जो हमारे सेल्स हैं इसमें सेल वॉल क्या है, मिसिंग होती है गाइस, ठीक है। अब यार ये देख रहे होगे आप, इसमें जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिनको हम कहते हैं, इसमें काफ़ी छोटे हैं, पर यार जो माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स हैं काफ़ी बड़े हैं। सो यार गाइस हम आगे जाके इनका फंक्शन समझेंगे यार, क्यों ऐसे होता है। इसमें जैसे क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमारे सेंट्रोइल हैं, क्यों ऐसे, क्यों क्या डिफरेंस है, इसमें वैक्यूल है, क्या इनके फंक्शन है, गाइज हम आगे जाके सब पढ़ेंगे यार। पहले तो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लो यार, जो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं यार क्या है यार हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बायोलॉजी में कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। भाई ये नाम आपको लिखना ही पड़ेगा डेफिनेशन में, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। जब फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, सैक्स मतलब ऐसे गद्दे टाइप होते हैं, फ्लैटेंड ऐसे सीधे सीधे गाइस गद्दे होते हैं, विदिन द साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये तो हमें पता ही है। ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड सर्व मल्टीपल फंक्शंस बीइंग इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इन द सिंथेसिस इज फोल्डिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। इनका मेन काम प्रोटीन्स से रिलेटेड ही होता है, ये प्रोटीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉडिफिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फोल्ड भी इनको प्रोटीन्स ही करते हैं ये ER, ठीक है। The eukaryotic cells contain an endoplasmic. In animal cells, the ER usually constitute more than half of the membrane content of the cell. Guys, ये काफ़ी बड़ा फैक्ट है यार कि सेल का हाफ से ज़्यादा पार्ट ये सिर्फ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कवर करके रखते हैं। गाइज ऐसे ऐसे फैक्ट यार हमारा चैनल ही बताएगा, मैं श्योर करता हूँ किसी और के चैनल ने अभी तक आपको ये बात बताई नहीं होगी, ठीक है गाइज। सो यार ऐसे ही बने रहना है, सब्सक्राइब जरूर करना है यार चैनल को, ठीक है। सो यार आगे बढ़ते हैं। अब यार आगे ER भी हमारे दो तरह के क्या है, रफ ER एंड स्मूथ ER, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गाइज यार प्लीज साथ साथ नोट्स बनाता है यार, काफी डीप में जाके चैप्टर है और इसमें इतनी ही डीप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट पॉजिस राइबोसोम्स दैट टू इट्स मेम्ब्रेन, जो यार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसमें यार जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो इतने 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 छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे दिखाए थे, इसमें ये देखो ये हमारे राइबोसोम्स इतने छोटे छोटे है ना। सो यार ये क्या है, ये मेम्ब्रेन के साथ इसमें अटैच ही होते हैं, क्या होते हैं गाइज, मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम रफ एंडिकुलम रेटिकुलम में अटैच ही होते हैं। पर अगर स्मूथ में देखें तो राइबोसोम्स इसमें अटैच नहीं होते, इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल एंड अ फ्यू ट्यूब्यूल्स, ये यार नाम याद रखने का, फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एंड अ फ्यू ट्यूब्यूल्स, ये एक तरह के यार हमारे जैसे प्रोटीन्स होते हैं वैसे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यार
जो वेसिकल्स हमारी जो ब्लड कैरी वेन्स होती हैं, वेसिकल्स वैसी ही होती हैं और ट्यूब्यूल से ये भी बना होता है। इट पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है, इन दोनों के साथ हमारे क्या है सेपरेट होते हैं। पर यार इसमें क्या क्या होता है, इसमें सिंथेसाइज ग्लाइकोजन लिपिड एंड स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, गिव राइज टू ओलिसिमोसिस। ये इन दोनों को राइज करते हैं, लाइसोसोम्स को करते हैं, ये सिमोसिस को राइज करते हैं। इट इज इंटरनल कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्ट होते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही था पिछले में, ठीक है। इट इज पेरिफेरल एंड मे बी कनेक्टेड टू प्लाज्मा लेमा। इसमें प्लाज्मा लेमा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। बस यार इतने, वो आखिरी पॉइंट आपके वैलिड का नहीं है, उसको छोड़ दो यार, ठीक है। अब यार राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स मैं आपके पिछले स्लाइड में बात कर रहा, राइबोसोम्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन। एक मशीन की तरह होते हैं हमारे सेल में, जो ये काम करते हैं मशीन की तरह काम करते हैं। गाइस फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स। मेन इनका काम क्या है गाइस, इन प्रोटीन बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये प्रोटीन्स बनाते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड। किससे बनाते हैं गाइज, अमीनो एसिड से। याद रख लेना यार, फंक्शन पूछ लेना, राइबोसोम्स का क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं गाइज, अमीनो एसिड से। कब बनाते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन भी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं। ये उस प्रोसेस के दौरान अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है गाइज। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज अ प्राइमरी फंक्शन। एक प्राइमरी फंक्शन है इसका, विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स। ये एक आम, यानी प्राइमरी फंक्शन एक आम फंक्शन है जो हर एक लिविंग सेल क्या परफॉर्म करता है। अब एक राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या है, एक तो हमने पढ़ लिया यार प्रोटीन्स बनाता है, और क्या फंक्शंस है। इट असेंबल्स अमीनो एसिड टू फॉर्म, ये तो हमने पढ़ ही लिया गाइस। द डीएनए प्रोड्यूस आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसमिशन, ठीक है। सो यार क्या होता है, द डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसमिशन, ठीक है। सो यार आगे क्या है, द आरएनए इज अ सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है गाइस, वो आरएनए कैरी आउट करता है, ठीक है। जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस होता है वो सिर्फ आरएनए की मदद से ही होता है। जो आरएनए कैसे इसको हेल्प करता है, वो तो यार न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। वो तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारे राइबोसोम्स, यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, यहाँ तक साइटोप्लाज्म जिसमें सस्पेंडेड होते हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स, वो इसको क्या है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है गाइस। सो यार काफी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है यार, इसको हुआ मत समझना यार, ठीक है। आगे समझ के करोगे यार तो बिल्कुल नहीं यार, नोट्स साथ साथ बनाते रहोगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे यार, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे यार, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस इसकी ये ऐसी की ही इसकी, रुक जाओ यार गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गोल्गी अपैरेटस, ये ऐसी ऐसी गाइस इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो यार क्या होते क्या हैं गोल्गी अपैरेटस, क्यों हमारे सेल के अंदर ये होते हैं गाइस। गोल्गी अपैरेटस आल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी इनको कहा जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। डेट इज मेड अप अ सीरीज ऑफ अ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउच कॉल्ड गाइस, इनके बने होते हैं स्टैक्ड पाउच। मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऐसे गद्दे, ऐसे भाई फ्लैट गड्ढे जिनको हम सिस्ट्रेनी कहते हैं गाइस, ये लिख लेना यार, नोट कर लेना, सिस्ट्रेनी जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यार, सिस्ट्रेनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है गाइस। द गोल्गी अपैरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किस काम के लिए होते हैं गोल्गी अपैरेटस, जो हमारे प्रोटीन्स को पैकेज करना है, पैकेजिंग का मतलब क्या है गाइस, जब हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो उसके पहले हम पैकेज, कोई भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही यार जो प्रोटीन्स लिपिड्स, जब ये वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होने की इनकी बारी आती है, तो इनको मॉडिफाई करना, इनको पैक करना, ये गोल्गी अपैरेटस का काम है, ठीक है, ठीक है। फॉर डिलीवरी टू टारगेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे इन्होंने जाना है वहाँ पे इनको कैसे पहुँचाना है। इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल ही पास में होते हैं एंड नियर टू द सेल न्यूक्लियस। ये देखो यार गाइज, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही में है, ठीक है।
सो बिल्कुल इनके पास में ही होते हैं ये। वाइल मैनी टाइप्स ऑफ सेल कंटेन ओनली वन और सर्वर गोल्गी अपैरेटस प्लांट सेल कैन कंटेन हंड्रेड्स। प्लांट सेल में गाइस ये 100 के अमाउंट में होते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो यार अपने बॉडी पार्ट्स को हिला तो सकते नहीं हैं, वो सारा काम क्या इनके सेल्स ही करते हैं। तो यार गोल्गी अपैरेटस इसलिए प्लांट्स में 100 के नंबर्स में होते हैं, पर यार हमारे सेल्स में ये एक दो ही पाए जाते हैं। ठीक है, अरे लाइजोसोम्स क्या होते हैं? इसमें लाइजोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इनकी अपनी ही मेम्ब्रेन होती है दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो लाइजोसोम्स के पास होते हैं। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वोन आउट सेल पार्ट, जो हमारे सेल पार्ट गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइजोसोम है। लाइजोसोम्स हमारे सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मानो यार हमारा एक सेल था, ठीक है, उसमें से हमारा न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है सेल का वो काम करना बंद कर गया यार। अब हमारे सेल जो यार अब काम नहीं कर रहा है यार, तो हमारे क्या सारी बॉडी को इसका हार्म हो सकता है। तो लाइजोसोम्स क्या हेल्प करते हैं, जब उनको लगता है कि यार हमारा सेल क्या अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या कोई इनमें डिफेक्ट आ गया, तो गाइज ये अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं। तो बर्स्ट होने का हेल्प फायदा क्या होता है, जो सेल होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इनवेडेड वायरस एंड बैक्टीरिया, जो हमारे वायरस एंड बैक्टीरिया घुस जाते हैं सेल्स के अंदर, तो ये अपने आप बर्स्ट होने लग जाते हैं, सेल बर्स्ट हो जाते हैं। इसलिए इनका इफ द सेल इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर लाइजोसोम्स कैन हेल्प टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ और एपोप्टोसिस भी इनको कहा जाता है। इस प्रोसेस को गाइस ये याद रखना, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में इनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सो करते क्या, डैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यार गाइस ये एक तरह के सेल की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पूरी करता है। गाइस ऐसे ही अपने नोट्स बना लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जितनी भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है गाइस उसकी हेल्प करती है, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। हाउ, इन व्हाट मॉलिक्यूल्स इट प्रोवाइड द एनर्जी, काफ़ी बार ये वन मार्क्स में पूछा जाता है। इन ATP, एंडोसाइन ट्राइफोसेट। ठीक है, तो ये किस मॉलिक्यूल्स में प्रोवाइड की जाती है, एंडोसाइन ट्राइफोसेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्टेन देयर ओन स्मॉल क्रोमोसोम्स, गाइस ये बहुत बड़ी बात है यार, उनके अपने ही एक छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रियल DNA आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर, जो भी गाइस हम मदर से अपने जीन्स कैरी करते हैं उनसे DNA के जो हमारे मटेरियल आते हैं हमारी मदर से, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाते हैं। और गाइस अब एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो, तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, तो उसमें जो हमारे करेक्टर्स होते हैं वो होते हैं, और जो हम अपने फादर जो हम मेल से कैरी किया होता है ऑफस्प्रिंग्स ने वो होते हैं। ठीक है, जो मदर के अंदर जो मदर से जीन्स कैरी करते हैं बच्चे, जो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाएंगे। जो यार प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड गाइस ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, हमारी एनिमल बॉडी में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड आर कोर कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्गी, फाउंड मेनली इन यूकैरियोटिक सेल। प्लास्टिड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू डिस्टिंक्टिव टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्लास्टिड एंड सेकेंडरी प्लास्टिड, दो तरह के होते हैं। गाइस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो यार ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इन प्लांट्स की प्लांट्स में ही ये सिर्फ पाए जाते हैं।